कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो टूल्स के बाद अब हम बतला रहे हैं प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, यानी जिस डीएनए में डिजायर्ड जीन हो, तो फर्स्ट क्या हो गया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए सेल। तो डीएनए को आइसोलेट किया गया, अब इस डीएनए में जो डिजायर्ड जीन है उसको आइसोलेट करना। तो नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। राइट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब जो ये जीन डिजायर्ड जीन्स है, इसका क्लोनिंग भी कर सकते हैं, एक जीन से कई जीन्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन। या जो डिजायर्ड जीन्स है उसको वेक्टर के साथ क्या है, लिंक कर देते हैं, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। तो नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन टू द वेक्टर। जैसे अभी हम आपको बहुत पढ़ाए प्लाज्मिड भी वेक्टर के साथ जोड़ दोगे टू गेट रिकॉम्बिनेंट, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। अब नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल, इसी को क्या कहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सब पढ़ाए तो नेक्स्ट देख दे, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल। राइट, इसको समझ गए होगे, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन जो किसके साथ है, रिकॉम्बिनेंट के साथ है, या तो डिजायर्ड जीन या ब्रैकेट में क्या लिख दें, रिकॉम्बिनेंट इनटू द होस्ट सेल। इसी प्रोसेस को कितना बार पढ़ा चुके हैं, क्या कहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ द जीन प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लिख लें सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट, जो जीन
प्रोडक्ट हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसका क्या होगा, सिंथेसिस करते हैं, और लास्ट क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट। तो सेवंथ कर दें, प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट। अब ये सीक्वेंस है, अब हमको तो आप लोग यहाँ हो नहीं, खैर इसी सीक्वेंस में हम बतलाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए सेल, दूसरा है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, तीसरा है क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन, चौथा है इंसर्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन टू द वेक्टर टू गेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन इन टू द होस्ट सेल, सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट और प्यूरिफिकेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट। तो अब फर्स्ट बतला रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए सेल। तो सबसे पहले आपको सेल से डीएनए को अलग करना है, तो सबसे पहले तो सेल के आउटर कवरिंग को हटाइएगा, ये हम पहले बतला चुके हैं। किसका यूज करते हैं, लाइजिंग एंजाइम, राइट। जैसे अगर प्लांट सेल वॉल हो तो उसके लिए किसको यूज करेंगे, सेलुलोज एंजाइम्स का। बैक्टीरियल सेल वॉल हो तो उसके लिए लाइसो जाइम्स का, राइट। अगर फंगल सेल वॉल हो तो काइटी नेज का, लिखाए थे तो लिख दें बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजॉल्व कौन करता है, लाइसोजाइम। फंगल सेल वॉल इसके लिए काइटिनेज एंजाइम। प्लांट सेल वॉल सेलो लेज एंजाइम्स, राइट। तो जब हम सेल वॉल टूट गया, मेम्ब्रेन ब्लॉक हो गया, तब तो आप साइटोप्लाज्म है, प्रोकैरियोट है, तो न्यूक्लियोइड्स हैं, अने तो न्यूक्लियस है। तो तुम ये भी जानते हो वहाँ पर प्रोटीन्स भी है साइटोप्लाज्म में, उसको डिजॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स का। प्रोटीन का डाइजेस्ट करने के लिए किसका यूज होता है, प्रोटीएज का। तुम ये भी जानते हो डीएनए है तो आरएनए भी होगा, तो आरएनए को भी डाइजेस्ट कर देना है, तो आरएनए के लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं, राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम का यूज करेंगे, तो आरएनए जो है डिजॉल्व हो जाएगा या डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट। अब तो साइटोप्लाज्म जो है उसमें डीएनए है, तो अब इस डीएनए का
सेपरेशन करना है, अब सपोज कीजिए कि ठीक है, यही ये सारा प्रोसेस कर दिए हो और यही अब साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें आप क्या है डीएनए है, तुम सेल वॉल रप्चर कर दिए, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, आरएनए डाइजेस्ट हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल डाल देते हैं, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, क्लोरोफॉर्म। तो फिनॉल के कारण क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म की जो डिब्रीज हैं, जो अशुद्धि हैं, वो सब नीचे बैठ जाएंगे, और क्लोरोफॉर्म के कारण डीएनए जो है सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू फिनॉल सेल डिब्रीज सेडिमेंटेड, राइट, एंड ड्यू टू क्लोरोफॉर्म डीएनए आइसोलेटेड, राइट। अब क्या करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, अब इसमें चिल्ड इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, चिल्ड इथाइल अल्कोहल। एनसीईआरटी में सीधे यहीं से दिया हुआ है कि जब हम सेलुलेज या लाइसोजाइम्स या काइटिनेज का यूज करते हैं, उसके बाद उसमें चिल्ड इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। हम आपको इससे अलग से समझाए कि उसके बाद प्रोटीएज का यूज कीजिए, आरएनएज राइबोन्यूक्लिएज का यूज कीजिए, जिससे आरएनए भी डिजोल्व हो गया, और उसके बाद क्लोरोफॉर्म और फिनॉल डालते हैं, जिससे डिब्रीज अलग हो गया, क्लोरोफॉर्म अलग हो गया। अब इसमें क्या किए, चिल्ड अल्कोहल डाल दिए, चिल्ड अल्कोहल डाल दोगे तो डीएनए क्या होंगे, प्रिसिपिटेटेड आउट हो जाएगा, डीएनए प्रिसिपिटेटेड आउट, डीएनए प्रिसिपिटेटेड आउट। तो डीएनए इस तरह से क्या हो गया, प्रिसिपिटेट करके अलग हो गया। अब इसको स्कूगिंग के द्वारा, स्पूलिंग के द्वारा इस डीएनए को अलग कर लिया जाता है। नाउ दिस डीएनए क्या बतला रहे थे, डीएनए चिल्ड इथाइल अल्कोहल में डालिएगा तो प्रिसिपिटेट कर जाएगा, जिसके कारण डीएनए प्रिसिपिटेट कर गया, और अब इस डीएनए को जो है स्पूलिंग प्रोसेस द्वारा अलग कर दिया जाता। तो नाउ दिस डीएनए रिमूव्ड बाय एस स्पूलिंग, स्पूलिंग प्रोसेस, राइट।
इस तरह से हमको डीएनए प्राप्त हो गया। अब इस डीएनए में ही डिजायर्ड जीन है। अब इस डीएनए से डिजायर्ड जीन को अलग करना है, तो बोलिए किस चीज का यूज कीजिएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का, जिसके कारण क्या होगा, डीएनए बहुत से फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। ये लाइन ही बार बार कट जाता है जी, फिर कटते कटते लाइन बच गया। क्या हुआ, नाउ दिस डीएनए इज ऑपरेटेड अंडर रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम्स, राइट, जिसके कारण क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बहुत बतला है, समझ गए होगे, अंडर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, राइट। और इसी फ्रेगमेंट्स में क्या है, आपको डिजायर्ड जीन है, राइट। अब इस फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है और डिजायर्ड जीन को होल्ड करना है। तो इसी के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट। और यही जो फ्रेगमेंट्स को आप किसके द्वारा अलग कर किया जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, या इसी का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी हम छोड़ दिए हैं क्लोनिंग ऑफ द डिजायर्ड जीन, आगे बतलाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड आउट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इसी को हम क्या कर सकते हैं, दैट इज isolation of desired gene. Isolation of desired gene, यही हम किसके द्वारा हो पाता, electrophoresis के द्वारा। राइट, तो समझ गए, डीएनए प्राप्त हुआ, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, डीएनए बहुत से फ्रेगमेंट में टूटा, वही फ्रेगमेंट्स में ही
डिजायर्ड जीन होगा, इस फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। यानी क्या हुआ, डिजायर्ड जीन का सेपरेशन होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। नेक्स्ट लिख द आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर द प्रोसेस ऑफ एज करते हैं, AGE एज, ये हो गया एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब तुम लोग शायद जानते होगे कि अगर हम सीधे बोलें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तुम में से शायद सभी जानते होगे सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के सेपरेशन को क्या कहते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज पार्टिकल के सेपरेशन को क्या कहते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर क्या नाम है, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के रूप में एगारोज, अगर अगर जानते ही होगे जो बीट से प्राप्त करते हैं, अब उस पर हम पूछने नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां लिख दें, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एगारोज इज यूज्ड एज मैट्रिक्स। एगारोज का यूज क्या करते हैं, मैट्रिक्स के रूप में करते हैं। और इस एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए का फ्रेगमेंटेड डीएनए का सेपरेशन होता है ड्यू टू द सीविंग इफेक्ट ऑफ द एगारोज जेल, राइट। तो एगारोज जेल में क्या होते हैं, पोर बन जाते हैं, राइट। और उस पोर के द्वारा ही डीएनए का क्या है, सेपरेशन होता। तो वही कहता द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स occurred by the sieving effect of
एगारोज, राइट। और इसके कारण जो होगा, जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर होगा, और जो बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट होंगे वो क्या होंगे, नजदीक होंगे। सो द स्मॉलर फ्रेगमेंट फार्दर अपार्ट, वो सबसे ज्यादा दूर होंगे, स्मॉलर फ्रेगमेंट फार्दर अपार्ट। ये हम आपको बेसिक समझाए, फोरेसिस क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इसमें मीडियम के रूप में किसको यूज करते हो, एगारोज को तुम जान ही रहे हो एगारोज क्या है। नेक्स्ट, एगारोज में सेपरेशन डीएनए का क्यों, किस तरह से हो जाता है, ड्यू टू सीविंग इफेक्ट, सीविंग समझ रहे हो, पोर। तो जो छोटे छोटे डीएनए के कण होंगे पोर के द्वारा तेजी से आगे चल जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े कण जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे पीछे रह जाएंगे। इस तरह से सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे बड़ा सबसे पीछे होगा, और इस तरह से सब डीएनए क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो अब इसको हम डायग्राम के रूप में समझावे, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस है। यहीं पर मान लीजिए बेल जैसा बना रहता है, जिसमें हम डीएनए को रखा जाता है। वेल, अब तुम जानते हो कि डीएनए पर चार्ज कैसा होता, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। तो नेचुरली जो डीएनए है वह मूव किधर करना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर। सो इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज।
किसी तरह से हम आपको बना दिए, यही डीएनए का फ्रेगमेंट्स है। तो देखो जो जितना छोटा है वो उतना दूर होगा, जो जितना बड़ा है वो उतना पीछे होगा। इस तरह से सभी डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वह एक दूसरे से क्या है, अलग हो जाते हैं, राइट? किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल्स है, और यहाँ पर क्या है, एगारोस एज ए मैट्रिक्स है। इसी में क्या होता है, सीविंग इफेक्ट, पोर बना हुआ है। तो जो डीएनए जितना छोटा होगा पोर के द्वारा वो क्या है, उतना अलग हो जाएगा। इस तरह से सभी डीएनए फ्रेगमेंट क्या हुआ, सेपरेट हो गया। लेकिन ये देखो कि जो डीएनए सेपरेट हुआ है उस डीएनए को तो हम सीधे आंख से देख नहीं सकेंगे, डीएनए को तो सीधे आंख से देखा नहीं जाता। तब सेपरेट हो भी गया तब भी हम इसको देख नहीं सकेंगे। यहां लिख भी दें, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड आउट, राइट? क्या बतला रहे थे, डीएनए कैन नॉट बी विजुलाइज्ड अंडर नेकेड आई। इसीलिए डीएनए फ्रेगमेंट को स्टेन किया जाता है, स्टेन मीन्स कलर्ड विद द इथिडियम ब्रोमाइड। अब यहां पर क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड डाल देंगे और इसको अल्ट्रा वायलेट रे से इस पर एक्सपोज करेंगे, राइट? जिससे यह ब्राइट ऑरेंज कलर के रूप में अपीयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट, सो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड। सो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देंगे, ठीक है? एंड एक्सपोजेज इट विथ अल्ट्रा वायलेट रेज। और इस पर क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रे इस पर डाला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इट अपीयर टू बी ब्राइट ऑरेंज कलर। सो इट अपीयर्ड टू बी ब्राइट ऑरेंज कलर, राइट? अब
यह सब डीएनए किसके साथ है? एगारो जेल पीस के साथ है। अब एगारो जेल पीस को क्या करेंगे? अलग कर देंगे और उसको उस एगारो जेल से डीएनए को अलग कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहते हो? इलूशन। मान लो यही डीएनए फ्रेगमेंट है, ये किसके साथ होगा बोलो? एगारो जेल के साथ होगा। तो एगारो जेल पीस को अलग कर लेंगे, राइट? एगारो जेल पीस में क्या है? डीएनए। और इसको वॉश कर देंगे, जिससे डीएनए क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। यानी अब जो मान लीजिए यही मेरा डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन को अब हम क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। बोलिए, समझ में आया? ठीक, तो नेक्स्ट क्या लिखे? इसके बाद यहां लिख रहे हैं, नाउ द एगारोज एगारोज जेल पीस इज सेपरेटेड। एगारो जेल पीस हैविंग डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड एंड डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलूशन। यही आपको याद रखना है। इलूशन क्या हुआ? जेल पीस में जो डीएनए है, उस डीएनए को अलग कर लिए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हो? इलूशन। तो बोलो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझे? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसमें एगारो जेल डाले जो मैट्रिक्स का काम किया। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज की ओर माइग्रेट किया। एगारोज के सीविंग इफेक्ट के कारण जो छोटा डीएनए का टुकड़ा होगा सबसे दूर होगा, जो नज़दीक होगा वो सबसे, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे दूर होगा, और जो टुकड़ा सबसे बड़ा होगा वह काफ़ी नज़दीक होगा। इस तरह से सीक्वेंसली सब डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएगा। अब इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, अल्ट्रा वायलेट रे से बम्बार्डिंग किया जाएगा, एक्सपोजर दिया जाएगा, जिससे ये ब्राइट ऑरेंज कलर में चेंज कर जाएंगे। अब एगारो जेल पीस को काट के अलग कर लेते हैं और उसको वॉश करके डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हो? इलूशन, राइट? इस तरह से डिजायर जो जीन है वो आपको प्राप्त हो गया, राइट? अब इस डिजायर जीन का दो चीज है, या तो तुम इसको होस्ट में डालिएगा, राइट, या हम लिखाए हैं क्लोनिंग ऑफ द डिजायर जीन, या डायरेक्ट तुम डिजायर जीन का क्लोनिंग कर सकते हो।
अब क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन। अब इस डिजायर्ड जीन का क्लोनिंग जिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है उसको पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लोनिंग ऑफ द डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर मेथड। पीसीआर मेथड, पीसीआर का पूर्ण नेम, फुल नेम क्या हो गया? पॉली मैरिज चेन रिएक्शन। ये किनके द्वारा प्रपोज्ड किए गए थे? कैरी मूलिश, कैरी मूलिश। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। पीपल्स चॉइस रिएक्शन, राइट। इस रिएक्शंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं, उस एंजाइम्स का नाम है टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज एंजाइम्स। फॉर दिस रिएक्शंस, फॉर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन, टैक पॉलीमरेज एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन, टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल। टैक का अर्थ होता है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज एंजाइम, इसलिए इसका नाम थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज एंजाइम पड़ा, चूंकि यह एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो थर्मोफिलिक होता है, जो 95 डिग्री अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट करता है, उस बैक्टीरियल बॉडी से इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया। तो नेचुरली ये भी क्या होगा? थर्मोफिलिक होगा, टेम्परेचर रेसिस्टेंट होंगे, और ये भी करीब 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये डिजेनरेट नहीं करता। तो थर्मस पॉलीमरेज एंजाइम एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो यह एंजाइम जो है किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? It is extracted from thermus aquaticus bacteria, जो क्या है? थर्मो स्टेबल होते हैं, ये 95 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका नेचुरल हैबिटेट जो है येलो स्टोन पार्क या नेशनल येलो स्टोन पार्क अमेरिका है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इज येलो स्टोन पार्क अमेरिका। राइट, इस तरह से पीसीआर टेक्निक्स में किसकी जरूरत पड़ती है? टैक पॉलीमरेज एंजाइम, जो किस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। अब इस एंजाइम के अलावा इसमें मैग्नीशियम आयंस और न्यूक्लियोटाइड्स जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये सब भी इसके लिए, इस रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्डफुल होते हैं। बिसाइड्स द टैक पॉलीमरेज फॉलोइंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पी सी आर फॉलोइंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पी सी आर फर्स्ट डी एटीपी डीएटीपी डी जीटीपी डी सीटीपी डीटीटीपी ये सब क्या है? यूज्ड एज एनर्जेटिक। दूसरा मैग्नीशियम आयन और तीसरा दो प्राइमर की जरूरत पड़ती है जो करीब 18 न्यूक्लियोटाइड्स का या 12 टू 18 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता। तो लिख दें टू प्राइमर made up of 12 to 18 12 to 18 nucleotides, right? अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस है जिसके लिए आप जाने टैक पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स और मैग्नीशियम आयन तथा आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, यह पीसीआर तीन प्रोसेस में कंप्लीट होती है।
यह पीसीआर मेथड जो है यह तीन प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होती है। पीसीआर मेथड इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। फर्स्ट है डी नेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन या इलोंगेशन। राइट अब इस प्रोसेस को समझा रहे हैं तो कौन कौन हुआ, डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग और तीसरा हो गया एक्सटेंशन या इलोंगेशन। ये मान लीजिए डीएनए का दो स्टैंड है, फाइव प्राइम, थ्री प्राइम, थ्री प्राइम, फाइव प्राइम, राइट। अब इस डीएनए स्टैंड पर टेम्परेचर कितना दे दिए, 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस। समझ ही रहे हो, अभी जो डीएनए है ये सब बेस पेयरिंग के द्वारा जुटे हुए हैं। यहाँ एडनिन होगा तो ये थायमिन होंगे, थायमिन है तो एडनिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन है, एडनिन है थायमिन है, राइट। ये तो तुम जान रहे हो। अब इसको क्या करते हैं, 94 टू 96 डिग्री इस पर टेम्परेचर देंगे। इतना टेम्परेचर पर ये क्या होगा, इसका डी नेचुरेशन होगा, राइट। डी नेचुरेशन हुआ तो क्या होगा बोलो, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड सेपरेटेड हो जाएंगे, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेटेड आउट, राइट। अब क्या हुआ, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या हुआ, अलग अलग हो गया। राइट। अब क्या हुआ कि अब टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जो दूसरा प्रोसेस बतलाए थे एनीलिंग। एनीलिंग के लिए जो टेम्परेचर रखते हैं वो कितना, 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस। तब प्रोसेस क्या हो गया बोलिए, दिस प्रोसेस इज एनीलिंग। एनीलिंग में ही जो आपको बतलाए दो प्राइमर लेते, राइट। इस एनीलिंग में दोनों प्राइमर 5 to 3 राइट। ये क्या हुआ बोलो, प्राइमर। तो इस टेम्परेचर पर जो प्राइमर है वह अपने कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड से लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कंप्लीमेंट्री। अगर यहाँ टी होंगे, यहाँ
क्या होगा, ए होगा, ये जी होंगे तो ये क्या होगा, सी हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, एनीलिंग। यानी एनीलिंग में क्या होता है कि प्राइमर इज लिंक विथ इट रिस्पेक्टिव स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। एनीलिंग में क्या लिख दें, बोथ प्राइमर प्राइमर लिंक विथ इट्स रिस्पेक्टिव स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। समझ गए? तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, डीनेचुरेशन। दूसरा क्या हो गया, एनीलिंग। एनीलिंग के लिए टेम्परेचर कितना, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर देखो कि जो नेक्स्ट में क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 72 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ यहां पर मैग्नीशियम आयन का यूज करते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं DATP, DGTP, DCTP, DTTP सबका यूज करते हैं। अब देखो यह जो DNA स्ट्रैंड के साथ ये क्या है, RNA प्राइमर। आपको बतलाए थे कि हमेशा जो लीगेजिंग होता है वह 3' पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और तुम परे हो गए कि डीएनए का एक्सटेंशन हमेशा फिक्स्ड है 5' से 3' डायरेक्शंस में हो रहा है। तो यहाँ पर देखो इस आरएनए प्राइमर पर अब क्या होगा, नया स्ट्रैंड बनता चला। और फिर क्या है, ये जो ये भी क्या है 5'3', इस पर भी क्या हुआ, नया डीएनए स्ट्रैंड बना। इसी स्ट्रैंड के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी एटीपी जीटीपी टीपी। अब बोलो एक डीएनए से 2 DNA का फॉर्मेशन हो गया, एक डीएनए से क्या हुआ, 2 DNA स्ट्रैंड बन गया। तो ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है दोनों, और ये क्या है, इस डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, 5'-3'। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या कहोगे, एक्सटेंशन या इलोंगेशन, राइट। तो यह जो एक डीएनए से 2 DNA बना, अब तुमको एक पढ़ाए थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो करीब 30 साइकिल अगर हम लगा दें, यह प्रोसेस कितना हो जाएगा, 30 साइकिल अगर हम करा दें, तो हमको 1 billion अगर हम 30 साइकिल अगर ये कराएंगे तो करीब 1 billion डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितना होगा, 1 DNA, या जो एक डिजायर्ड डीएनए है अगर हमको, तो उससे 30 साइकिल में हमको कितना डीएनए प्राप्त हो जाएगा, 1 billion डीएनए, 1 billion डीएनए। और वह भी कितना मिनट में, ओनली अबाउट 57 मिनट। यानी एक साइकिल होने में 1.8 या कुछ मिनट मात्र लगता है, राइट। तो
30 साइकिल में हमको कितना बन गया, 1 बिलियन डीएनए, जो कितना में बना, करीब 57 मिनट्स में ही बन जाता है, राइट। इसी रिएक्शन को क्या कहते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट, जिसके द्वारा 30 साइकिल्स में 1 डीएनए से 1 बिलियन डीएनए का फॉर्मेशन होता। अब कल नेक्स्ट क्लास में हम पीसीआर का क्या एप्लीकेशन है वो बतलाएंगे, और अब लगभग जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, प्रोसेस थोड़ा सा बचा हुआ, और नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट।